और न्यूट्रिशियस स्पॉन्ज गार्ड की सब्जी। स्पॉन्ज गार्ड को हम जनरली गिल की या फिर तोरई बोलते हैं। ये जो सब्जी है ये बड़े और बच्चों दोनों को ही बहुत पसंद आने वाली है। जनरली बच्चे क्या होता है कि स्पॉन्ज गार्ड या तोरई नहीं खाते, गिल की तोरई लौकी खाने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं, बट ये इतनी न्यूट्रिशियस है तो हम चाहते हैं बच्चों को खिलाना, इसलिए आज मैं इसको एक डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, स्टफ बना रही हूँ, जो कि बहुत ही टेस्टी लगेगी बच्चों को। अब स्पॉन्ज गार्ड की न्यूट्रिशियस वैल्यू देखते हैं। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि स्पॉन्ज गार्ड जो है वो बहुत ही अच्छा ब्लड प्यूरिफायर है। सेकेंडली ये लो कैलोरीज वेजिटेबल है, लो फैट कंटेंट होता है इसके अंदर। इसके अंदर डाइट्री फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं जो कि हमारे पेट के लिए या पेट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। रिच इन विटामिन सी है, रिच इन विटामिन बी है, आयरन और मैग्नीशियम भी बहुत ज्यादा होता है जो कि बच्चों के लिए इवन बड़ों की ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब हम बनाते हैं अपनी टेस्टी और न्यूट्रिशियस हेल्दी रेसिपी। स्टफ्ड गिलकी या भरमा गिलकी भी बोलते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा प्याज। इसमें मैंने एक बड़ा प्याज लिया है जिसको मैंने बड़े पीसेस में काटा है क्योंकि इसको हम ग्राइंड करेंगे। उसके साथ कुछ कलियां लहसुन की, थोड़ा सा अदरक और सौंफ। सौंफ इसका मेन इंग्रेडिएंट है। स्टफ्ड सब्जी के लिए सौंफ बहुत जरूरी होता है और खड़ा धनिया या साबुत धनिया। अब हम इन सारे मसालों को इस मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। पैन लिया है और आज हम बनाएंगे इसको मस्टर्ड ऑयल में, जिसके लिए हमें 2 टेबलस्पून के अराउंड मस्टर्ड ऑयल चाहिए। हमारा मस्टर्ड ऑयल गर्म हो चुका है तो अब इसमें हम मसाला डालेंगे। आप मस्टर्ड ऑयल की जगह दूसरे ऑयल्स भी ले सकते हैं बट मस्टर्ड ऑयल में टेस्ट ज्यादा अच्छा होता है स्टफ्ड सब्जियों का, इसलिए मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज किया है। ये जो मसाला है इसको हमने पहले से ग्राइंड कर लिया है। यदि आपको ग्राइंड करने में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अब तेल अच्छी तरह गर्म हो गया है, इसमें हम ये मसाला फ्राई करेंगे। मसाले को मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। ताकि हम इनको स्टफ कर सकेंगे। हमारा लगभग भुन चुका है, ये हल्का सा पिंकिश कलर का हो जाए और ऑयल छोड़ दे तब हम इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च और 1 फुल टेबल स्पून धनिया पाउडर। आप लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। यदि आप ज्यादा मिर्च खाते हैं तो ज्यादा मिर्च ले लीजिए, कम मिर्च खाते हैं तो कम मिर्च ले लीजिए। मैं 1/2 टेबल स्पून यूज कर रही हूँ। इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट भी यूज करेंगे, अराउंड 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट। मसाला हमारा भुन चुका है, सारे ड्राई मसाले इसके साथ अच्छे से मिक्स हो गए हैं और साइड साइड से आप देख सकते हैं कि ये तेल भी इसमें ऊपर आने लगा है। अब हम इस गैस को ऑफ कर देंगे और मसाले का ठंडे होने का वेट करेंगे। ठंडा हो गया है, अब हम इसको एक एक तोरई या गिलकी के अंदर स्टफ करेंगे और हम थोड़ा थोड़ा मसाला स्टफ करेंगे, नहीं तो ये मसाला हमारा निकल जाएगा यदि हम ज्यादा मसाला इसमें स्टफ करेंगे तो। तो इस तरह से इसको एक लेफ्ट हैंड से ओपन करके और राइट हैंड से हल्का सा प्रेस करते हुए देन इसको अगेन प्रेस करके एक्सेस मसाला इसके ऊपर से हटा देंगे। ऐसे ही हम सारी तोरई के पीसेस में मसाला स्टफ कर लेंगे। सारी तोरई के पीस स्टफ हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पैन लेंगे एक, इसको गैस पे रखेंगे और उसमें अराउंड 1 टेबलस्पून और 1.5 टेबलस्पून अराउंड ऑयल लेंगे। अच्छे से अब हम इसमें एक एक करके ये अपनी गिलकी या तोरी के पीस इसमें डालते जाएंगे।
इसको डालते समय आप थोड़े केयरफुल रहिए क्योंकि ऑयल आपके ऊपर आ सकता है, तो आप बहुत ही धीमे से इसमें ये पीसेस डालें। मेरे ऑयल में ऐड हो चुके हैं, इसमें अब मैं इसमें नमक डालूंगी अराउंड हाफ टेबल स्पून, क्योंकि पहले हमने जो नमक डाला था वो मसाले में था, बट हमारी तोरई को सॉल्टी बनाने के लिए उसमें हमें नमक डालना पड़ेगा, अदरवाइज हमारी सब्जी का टेस्ट फीका फीका लगेगा। तो हाफ टेबल स्पून सॉल्ट मैं इसके ऊपर से ऐड कर दूंगी। सॉल्ट ऐड करने के बाद आप हल्का सा इसको स्टर कीजिए और लेकर इसको कवर कर दीजिए। अराउंड इसको 15 मिनट्स तक आप कवर रहने दीजिए, उसके बाद आप इसको बीच में एक दो बार चला सकते हैं और गैस को एकदम सिम पे रखिएगा। पानी छोड़ दिया है और वो छोड़ेगा पानी, तो हम इसको फ्लिप कर देंगे या पलट देंगे। अब इसका दोबारा ग्रेट लगा के फॉर 10 मिनट्स अगेन हम इसको रख देंगे। हम देखेंगे हमारी वेजिटेबल पूरी तरह से रेडी है। इसका मसाला जनरली बाहर निकल आता है, बट कोई बात नहीं है, बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही अच्छा होता है। अब हम इसको 2 मिनट विदाउट लिड के पकाएंगे, उसके बाद हम इसको फाइनल अपने बाउल में ट्रांसफर करेंगे और गार्निश करेंगे हरे धनिये के साथ। सब्जी अब पूरी तरह से कुक हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसके साइड में जो एक्सेस ऑयल भी है वो भी पूरा सेपरेट आउट हो गया है, तो आप चाहें तो इसको इस तरह से करके आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। आप सिर्फ वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स करके इसको साइड से रिमूव भी कर सकते हैं। हमारी सब्जी बन के पूरी तरह से रेडी है सर्व करने के लिए। अब बिफोर सर्विंग हम इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स डालेंगे। देखिए ये हेल्दी और न्यूट्रिशियस सब्जी एकदम पूरी तरह से खाने के लिए तैयार है। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो।